जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी रोहिंग्याज का मुद्दा जो है बहुत गर्माया हुआ है। पहले जब इन पर बात चल रही थी इन्हें जम्मू से बाहर निकाला जाए तो भाजपा इसमें सबसे ज़्यादा थी। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने इस मसले को बहुत ज़्यादा उठाया और बहुत सारी सामाजिक कार्य जो सोसाइटीज़ थी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी सामने आई कि जम्मू कश्मीर के लिए जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पर धारा 370 है और बाहर का जो व्यक्ति है यहाँ पर नहीं आके रह सकता। लेकिन इल्ज़ाम का दौर जारी है और भाजपा कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाती है और कांग्रेस जो है भाजपा पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके टेन्योर में हुआ। लेकिन किस तरह से धारा 370 लगी है, अगर तो यहाँ पर अगर भारत का कोई और नागरिक यहाँ पर आके रह नहीं सकता तो रोहिंग्या बांग्लादेशी क्यों रहते हैं? अब यूएन की यहाँ पर एक ह्यूमन राइट काउंसिल ने उन्हें यहाँ पर किस तरीके से बिठाया भी है तो कुछ समय के लिए बिठाया है, टेम्परेरी बिठाया, और उसके बाद जब म्यांमार में सिचुएशन नॉर्मल होगी तो इन्हें वापस भेजा जाएगा। इस मसले पर केंद्र सरकार भी दृढ़ है और साफ तौर पर यह कह रही है कि जल्द इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये रोहिंग्या किस तरह से जम्मू वासियों को अब अपना टारगेट बनाना शुरू कर रहे हैं इसकी एक नई मिसाल सामने आई है। दीन मोहम्मद बजराला के रहने वाले हैं और इनके साथ फ्रॉड हुआ है। इनकी पहली बीवी गुजर गई, जब दूसरी बार इनकी शादी हुई वो लड़की म्यांमार बर्मा की थी और 2 लाख रुपए इनसे लेके वो लोग भाग चुके हैं। अब पिछले 2 महीने से वो लोग लापता है, यहाँ से जा चुकी है लड़की और ये शख्स हैं ये आंखों में नम आंखें लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वो लड़की है, दीन मोहम्मद साहब क्या नाम है इनका? फातिमा। ये फातिमा है और जो दीन मोहम्मद जी के हाथ में ये आप जो कागज़ देख रहे हैं ये निकाह नामा है। ये निकाह हुआ है इनका फातिमा के साथ कुछ देर पहले और आपको बताएं कि 2 शख्स हैं वो इस लेडी को लेके चले गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये बर्मा की है और ये बर्मा जा चुकी है और ये कहा जा इनसे ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए दीजिए बर्मा से इनकी फातिमा बीवी जिसका निकाह हुआ है उसे वापस बुलाया जाएगा। साफ तौर पे फ्रॉड है। पूरा मसला बताएं दीन मोहम्मद साहब, क्या मसला है? मेरे को जनाब जिस वक्त ये घर वाले मेरी पहले मर गई ना फिर 1 साल रहा मैं, 1 साल के बाद रोटी के लिए मजबूर हो गया। आप कहाँ क्या काम करते थे पहले? उस वक्त मैं JKPC में था। JKPC जी सर। तो अब आप रिटायर हुए कितनी देर हो गई? अभी मेरे को साल हो गया। और आपके परिवार में कौन कौन? मेरा कोई भी नहीं है सर, एक है खुर्शीद अहमद जिसने ये लड़की निकाला है जनानी मेरी। कौन है ये खुर्शीद अहमद? ये है SPO SPO है जी। तो क्या मतलब क्या था? और बोलने लगा कि मेरी जायदाद खा जाएगा उस लिए निकाल दिया इसने जनानी। एक तैगा गुजर है भैंस चलाने वाला। कहाँ रहता है ये? उधर ही रहता है जनाब, बरजालाई में रहता है। अच्छा, तो इन दोनों ने मिलकर ने ये निकाल दिया है। अभी ये पता नहीं किस जगह है, कि कोई पता नहीं लगता है। तो जब ये मसला हुआ था तो आपने पैसे कितने दिए, किसको दिए पैसे? मैंने उस वक्त नहीं दिया था साहब, पहले ही दिया था पैसे, उसी मीन को दिया था पैसे। कितने पैसे दिए? 2 लाख रुपये। क्या वजह, क्यों दिए? इसी के लिए, मतलब की शादी करने के लिए। तो आपकी शादी हुई और आपने मतलब 2 लाख रुपये देकर शादी की? जी जी। तो मतलब आपने पूछ पड़ताल नहीं की? और बांग्लादेशी जो इसके साथ में था सोनू, हाँ। वो इसके बीच में था, मतलब के मुंतजर, हाँ। उसी ने करवाया ये, उसी ने पैसे भी लिए, हाँ। उसी ने सब चीज़ करवाया ये सोनू ने। जब ये लड़की आपकी जो बेगम है यहाँ से गई तो क्या इससे कोई बातचीत होती थी, क्या बताया? नहीं था, मैं यहाँ नगरोटा में था एक्साइज में, डेली वेजन में काम कर रहा था मालियों का, तो वहाँ से आया मैं तो ये खुर्शीद अहमद ने और तैगा गुजर ने यहाँ से निकाल दिया था। आपने पूछा उनसे कहाँ गई? पूछा, बोलना गए हमको नहीं पता वो चले गई। फिर जनाब इसका फ़ोटो मैंने कहा फ़ोटो बताओ कहाँ है, वो नहीं दिया फ़ोटो। ये मैं आपको साफ बताऊं कि जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्याज हैं इस तरह की अब उन्होंने रणनीति अपनाई है, डकैती और ड्रग्स में इनका नाम शामिल होता ही है। लेकिन अब यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, जो बाशिंदे हैं, उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और यहाँ पर उनसे शादियाँ कर रहे हैं। ये निकाह नामा है और साफ तौर पर फातिमा के साथ इनका निकाह हुआ था। अच्छा, जब आप पुलिस में गए तो क्या बात हुई? पुलिस में जब कंप्लेन, पुलिस वाले बोलने लगे जनाब हमको नहीं है पता तुमने तलाक दिया है, वो किया। मैंने कहा जनाब हमने कब दिया है तलाक, अगर तलाक दिया होता तो ये निकाह नामा मेरे पास नहीं रहता। तो वो जाल से यहाँ से मेरे को बोलने लगे नगरोटा में तेरे को 60,000 रुपये दे देंगे तो मतलब कि इसको तलाक दे दें। मैंने कहा मैं नहीं देता हूँ तलाक। मतलब आपसे 2 लाख रुपए लिया और आपसे कह रहे थे तलाक दे दे और 60,000 रुपए ले लिए ना? वो 2 लाख रुपया लिया था मीन ने, 2 लाख रुपया लिया था मीन ने। ये जो तैगा गुजर है ये खुर्शीद अहमद है, इन्होंने बोलने लगे कि हम आपको पैसे दे देंगे, ना अभी तक पैसा मिला है ना कुछ भी, ना ही जरा नहीं मिला। तो मुझे ये बताइए कि किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से मिले, क्योंकि ये फ्रॉड का मसला है। SSP
एसएसपी को मिला। क्या बोले वो आपसे? उन्होंने लिख कर दे दिया थाने पर, वहाँ पर वो बता एसएचओ है जो बोलने लगा कि ये ऐसे मामूली बात है, ये कौन पूछता है इनको उम्र क्या है। यहाँ पर एक सवाल दीन मोहम्मद आप पे भी उठता है कि जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का मसला जम्मू कश्मीर में आपको पता छाया हुआ है, यहाँ पर ये लोग इलीगल तौर से रह रहे हैं, तो जब आपने निकाह किया तो आपने चेक नहीं किया था कि कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? ये मुसलमान लोग है, ये जो मीन है ना जनाब, इसने साली थी इसकी, इसने मतलब पैसे लिया मेरे से पहले से लेकर निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ा कर तो फिर रे वहाँ पर। कहाँ किस जगह निकाह पढ़ाया था? वहाँ नगरोटा में। नगरोटा में पढ़ा? नगरोटा। तो कोई बीच में उस टाइम विटनेस थे आपके साथ? ये सब है, सब ये देखिए ना, ये सब ये। अच्छा, ये सब ये। तो अब 2 महीने हो गए हैं पुलिस? 2 महीने नहीं हो गए सब, ये कुछ 1 महीना तो कुछ 10 दिन हो गए। 1 महीना 10 दिन तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? जी सर, कुछ नहीं किया। कोई रिटर्न में आपने पुलिस में एप्लीकेशन? हाँ दिया सर। ये निकालनामा ये भी दिखाया, सब चीज किया, जिसमें रिपोर्ट भी दिया, तो भी पुलिस ने। फातिमा की उम्र कितनी थी? ये इसकी 35 साल। 35 साल। इसके साथ कोई बच्चा आपका? हाँ वही लड़की है सर। वो आपकी लड़की थी पहले? जी पहले की लड़की थी, वहाँ से लाई थी साथ में। साथ में लाई? जी सर। तो ये क्या बताती थी, पहले शादी शुदा है ये? शादी शुदा है, इसका घर वाला मर गया है। अच्छा, इसका घर वाला मर गया है, फिर वो मीन है जो मीन लाया था तो उसने करवाया मेरे साथ। आपके साथ ये कितने दिन रही टोटल? ये मेरे साथ कुछ 10 दिन रही। 10 दिन बस। उसके बाद में इधर ही था ना बरजाला में, यहाँ से निकाल दिया खुर्शीद अहमद ने और त्यागा गुजर गायब ही कर दिया। साफ तौर पे बरजाला के रहने वाले दीन मोहम्मद हैं, और जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि फातिमा ये रोहिंग्या है जम्मू में जिस तरह से रह रहे हैं, और इनसे इनकी शादी हुई, शादी करवाई गई और 2 लाख रुपए लिया गया दीन मोहम्मद से कि ये इनकी पहली बीवी जो है वो उनकी मौत हो चुकी है और उन्होंने दोबारा शादी करना चाहिए, तो इनसे इनका निकाह करवाया गया और निकाह करवाने से पहले 2 लाख रुपए लिया गया कुछ लोग थे। और साफ तौर पर ये एक किस्म से फ्रॉड है, क्योंकि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो जम्मू में आ रहे हैं, और जम्मू में आकर एक तो ये इलीगल तौर से रह रहे हैं, इनको संरक्षण है, दूसरा जो जम्मू के जो नागरिक हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, उनको ये अब शिकार बना रहे हैं, इनसे फ्रॉड कर रहे हैं, और जो लेडीज़ हैं उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कमाने के ज़रिए में। बच्चे साथ में होते हैं, जिस तरह से दीन मोहम्मद हैं, और सिर्फ 10 दिन वो इनके साथ रही है और 10 दिन के बाद वो उनको अपना बच्चा लेके चली गई है। अब आगे आप लास्ट में क्या चाहेंगे, क्या आप गुजारिश करेंगे सरकार? जनाब मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे को मिल जाए रोटी बनाने के लिए और क्या, मैं ये चाहता हूँ, मगर निकाला है ये त्यागा गुजर ने और खुर्शीद अहमद ने। तो वजह क्या बताई इन्होंने, क्यों क्यों इन्होंने? ये खुर्शीद अहमद है, ये बोलने लगा कि मेरी जायदाद खा जाएगा। कौन खा जाएगा? मेरा। अच्छा अच्छा, तो ये खुर्शीद, ये जो त्यागा गुजर है, जब भी मैं लाया ना नगरोटा से तभी वो उसी वक्त। आपकी पहली बीवी से कितने बच्चे थे? उसके थे 2-3 बच्चे सर। कहाँ कहाँ? वो एक यही है खुर्शीद अहमद। अच्छा, ये खुर्शीद अहमद आपका बेटा है? ये जी सर, ये खुर्शीद अहमद आपका अपना सगा बेटा है? सगा बेटा है। तो उसी ने आपकी मतलब शादी? उसी ने किया, उसी ने करवाया और उसी ने निकाला भी। और ये त्यागा गुजर है जो ये भैंस चराने वाला, और इसने मतलब कि इसको मतलब सिखाया आपको जब वहाँ से लाया ना, आप जो शिकार हुए हैं अपना बेटा आपका खुद आपको? जी 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 जी। फिर मैं आया वहाँ से नगरोटा से। तो साफ तौर पे यहाँ पर ये जो मसला है ये थोड़ा पारिवारिक भी है, क्योंकि इनके अपना बेटा भी शामिल है जिस तरह से बता रहे हैं, और कुछ जो 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 महिला है गुजर है जो ताइगा गुजर जब मिलाया वहाँ से सर। हाँ, साफ तौर पे तो ये महिला है, ये बर्मा रोहिंग्या है, और साफ तौर पे हम एक गुजारिश करेंगे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से कि अगर आप किसी भी बांग्लादेशी रोहिंग्या से कोई लिंक रखते हैं तो सोच समझ के पुलिस के द्वारा बातचीत करके इनसे कोई संबंध बनाइए। जिस तरह से दीन मोहम्मद के साथ ये फ्रॉड हुआ है, और अपने घर के ही शख्स ने इनके साथ मिलकर फ्रॉड करवाया, 2 लाख रुपये इनसे ले लिया, निकाहनामा भी पढ़वाया, और अब ये कह रहे हैं कि और पैसे दीजिए तभी आपकी बीवी वापस आएगी, तो इस किस्म के फ्रॉड में ये लोग फंस रहे हैं। और साफ तौर पे जिस तरह से बर्मा रोहिंग्याओं से, रोहिंग्या जो बांग्लादेशी हैं उनसे जम्मू वालों को खतरा है, अब नागरिक ठगना भी शुरू हो गए हैं। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।